फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का राशिफल। राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल से उपाय, राशि अनुसार ही आपका लकी नंबर और लकी कलर भी, पंचांग बताएंगे, दिशा शूल की जानकारी देंगे, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे सभी राशि वाले क्या करें और क्या ना करें, और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को बस चुटके में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के राशिफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है शनिवार का, तारीख है 6 जुलाई 2024, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा पर चंद्रमा मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा 3, लकी कलर रहेगा येलो, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ ईस्ट, राहु काल रहेगा सुबह 8:57 से लेकर सुबह 10:42 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर के दोपहर 12:54 तक। ये घट स्थापना का मुहूर्त है। क्यों है, विशेष क्या है, क्योंकि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना है, प्रतिपदा का दिन है और ऐसे में पहली महाविद्या महाकाली के पूजन का विधान है। और आपको ये भी बता दूं कि जो दिशाशूल है वो पूर्व दिशा में रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। अगर यात्रा करना ज़रूरी हो तो लौंग के दाने खाकर यात्रा करें या लौंग जेब में रखकर यात्रा करें। और हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी मूलतः महाकाली से ही संबंधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो हमारा स्पेशल उपाय है वो भी महाकाली से ही संबंधित है, उसको जानने के लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, दांपत्य संबंध सुधरेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, रिश्तों की बेहतर, आप रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सेहत को लेकर सतर्क रहें, उपाय ये करें कि काले तिल जल प्रवाह करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, विवाद सुलझाने में सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ऑनलाइन निवेश शुभ रहेगा, बिगड़ी हुई सेहत सुधरेगी, उपाय ये करें कि लौंग के दाने जेब में रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे, खुद में बदलाव लाएंगे, मनचाहे परिणाम मिलेंगे, घर में खुशियां बढ़ेंगी, छात्र मन लगाकर पढ़ेंगे, मित्र सहयोग देंगे, लोगों से संपर्क बढ़ेगा, उपाय ये करें कि काले पेन से श्रीम लिखकर पूजा घर में चढ़ाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अधिक पैसा खर्चा होगा, कामकाज में सुधार आएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, प्रेम जीवन में शांति रहेगी, उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को बादाम दान करें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, आर्थिक क्षेत्र अच्छा रहेगा, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, कार्य क्षेत्र में विरोधी कुछ परेशान कर सकते हैं, रिश्तों में गलत फहमियाँ भी बढ़ सकती हैं, दोस्तों के साथ में शाम में घूमने फिरने जाएंगे, उपाय ये करें कि पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक करें, शुभंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गो की बात करेंगे, दोस्तों की मदद से कामकाज पूरे होंगे, ठेकेदारों को लाभ मिलने के योग हैं, विवाद पक्ष में हल होंगे, सामाजिक सम्मान मिलेगा, दाम्पत्य खुशहाल रहेगा, उपाय ये करें कि काजल का प्रयोग करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, कारोबार में बदलाव आएंगे, आय स्रोत बढ़ेंगे, दफ्तर में कार्यभार बढ़ने की संभावना है, लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा आपके कामकाज का, जल्दबाजी से बचें, खान पान पर पूरा ध्यान दें, उपाय ये करें कि बड़ी इलायची सिर से वार कर जला दें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, करियर में नए मौके मिलेंगे, जीवन में सुकून आएगा, परिवार के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, उपाय ये करें कि शाम के समय लोभान की धूप जलाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे, साझेदारी से लाभ होगा, परिवार के साथ में समय बिता पाएंगे, कामकाज की सराहना होगी, जीवन शैली बेहतर बनेगी, सामाजिक समारोह में भाग लेंगे, उपाय ये करें कि सिक्के पर इत्र लगाकर तिजोरी में रखें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, नए व्यापार की शुरुआत करने के योग हैं, योजनाएं जो हैं वो लाभकारी रहेंगी, मन में लोगों की नकारात्मक छवि बनेगी, लोगों से बहसबाजी और विवाद से बचें, उपाय ये करेंगे नीले शेड के कपड़े पहने, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी, अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे, भाग्य पूरा साथ देगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, समाज में सम्मान बढ़ेगा, उपाय ये करें कि छत या बालकनी में तेल का दीपक करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे,
कारोबारी वृद्धि होगी, बड़ा मुनाफा होगा, सुख समाचार मिलने से खुशी होगी, आलस्य का त्याग करें, जीवन साथी से कीमती उपहार मिलेगा। उपाय ये करें कि धर्म स्थल में बरगद का पत्ता चढ़ाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि सभी राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। देखिए खास दिन है, आषाढ़ नवरात्रि की घट स्थापना है, प्रतिपदा यानी कि एकम तिथि, और ऐसे में पहली महाविद्या महाकाली के पूजन का विधान है। तो क्या करें आप, महाकाली का पूजन करें, महाकाली के निमित्त दीप जलाकर बादाम लौंग नारियल चढ़ाएं, गरीबों में उड़द दान करें, घर की साफ सफाई करें, बर्तन तिल खरीदना शुभ रहेगा, पीले कपड़े पहनना शुभ रहेगा, बांस का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, ईशान दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात कर लेते हैं सफलता से बचने के लिए क्या ना करें। तो देखिए किसी को भी हीन भावना से ना देखें, खुद में सुस्ती ना आने दें, लाल कपड़े ना पहने, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, कुष्मांड का दान और प्रयोग ना करें, मद मांस का सेवन ना करें, पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों अब समय है आज के स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो गरीबी से छुटकारा दिलवाएगा। देखिए खास दिन है, महाकाली के पूजन का विधान है, तो ऐसे में क्या करें, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए महाकाली का पूजन करें और 8 लौंग नारियल और बरगद का पत्ता ये महाकाली पर चढ़ा दीजिए, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम क्लीम स्फ्रोम हुम श्रोम काल्यै नमः। ओम क्लीम स्फ्रोम हुम श्रोम काल्यै नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको गरीबी से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।